क्या बनाया? ये क्या भाभी, फिर से दाल? पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हमने, ये दाल और सब्जी ठुसा ठुसा कर हमारी जान ही लेना चाहती हैं आप तो। एक हफ्ता हो गया है, गोश्त की शक्ल तक नहीं देखी है। गोश्त की कीमत भी जानती हो तुम? लेकिन तुम कैसे जानोगी, तुम्हारा शौहर तो कमाता ही नहीं है। मेरा शौहर कमाता है और इस घर का खर्चा उन्हीं के पैसों से चलता है। अगर वो भी बैठ गए ना तो भूखी मर जाओगी तुम। बोल तो ऐसे नहीं है, आपका शौहर लाखों कमाता है, और वैसे भी अगर खर्च कर भी रहा है ना तो अपने भाइयों और माँ बाप पे खर्च कर रहा है। मुझ पे कौन सा एहसान कर दिया जो डेली आपके कड़वे और कसीले ताने सुनती रहूं मैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बाजी। ये लिए, मुंह मीठा करें, मैं इंटर के एग्जाम में पास हो गया। अरे वाह मेरा पढ़ाकू भाई, ला जल्दी से मिठाई खिला दे, मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। पता है बड़े सही टाइम पर आया है, दाल मखनी बनी है, खाना खाकर ही जाना। झूठ बोल रही है ये, कोई दाल मखनी नहीं बनी, सादी दाल बनाई है मैंने, भगरी हुई। नहीं नहीं बाजी, मैं दोस्त के साथ आया हूँ तो वो बाहर वेट कर रहा है, तो मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये ले मिठाई खाएं आप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेचारा आपके हाथ की दाल खाने से रह गया। जितनी जबान चलती है ना तुम्हारी, इतना मेरे साथ किचन में काम करवा लो। 2 साल का हो गया तुम्हारा बेटा, किसी काम को हाथ लगाना पसंद ही नहीं करती तुम। मेरी तो बेटी पैदा हुई थी तो उन्हें तो 2 हफ्ते बाद ही मुझे सारे घर के कामों में लगा दिया था। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने तो बेटी पैदा की है, लेकिन मैंने बेटा पैदा किया है, बेटा इस घर का वारिस, समझी आप? अरे बाजी बाजी देखे ना, हयान इसको इतने जोर से झंझोड़ के नींद से उठाया, अब ये बेचारा डर गया, सो ही नहीं रहा। मेरा बच्चा, देखा आपने क्या किया आपकी बच्ची ने, कितनी मुश्किल से सिलाया था मैंने इसे, फिर उठा दिया, पीछे ही पड़ गई आपकी बच्ची तो इसके। हे हे, खुदा गरक करे इस खांसी को, तुम ना पूरे घर को कोरोना लगा के छोड़ोगे। मैंने तुम दोनों को मना किया था ना, इस बुड्ढे को बाहर मत जाने देना, देख लिया अंजाम। तुम इंतहाई नामकूल और बदतमीज औरत हो, जबान कैंची की तरह चलती है, और तुम्हारी दिन चढ़ा रही और चक चक तुम्हारी शुरू हो जाती है। अरे क्या मुसीबत सर, क्या मुसीबत सर मेरी। हाय हाय, तो नहीं करते ना शादी, हम कौन से मरे जा रहे थे, तुम्हारी अम्मा हमारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी, इतनी मिन्नतें करी, मेरी माँ के पैरों पे गिर गई, और दिखाया छोटा भाई, जब रसम होने लगी तो ये नमूना आके बैठ गए, मेरी माँ ने तो सांप बना कर दिया था। भाई बहुत बशिकल है और ठीक ना है, मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी का हाथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जमीन जायदाद दुकानें मकाना सब तुम्हारे नाम कर दिए, मगर तुम्हारे मुंह पर कभी शुक्र नहीं आया, शुक्र कभी नहीं आया। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया है, शादी करके मैंने ही तुम पे एहसान कर दिया। और बात सुनो, जब तक इनकी ये मनहूस खांसी खत्म नहीं होगी ना, कबाड़ खाने में इनका बिस्तर डाल दो। और बात सुनो, इनको बाबा और अब्बा कहने की जरूरत नहीं है, नमूनिया अब्बा बोलो इनको। कबाड़ खाना, तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? इतनी बदतमीज हो गई हो तुम, इतना एहसास तुम्हारा मर गया है। अब्बा सही तो कह रही है अम्मा, खुदा ना खास्ता आपको कोरोना निकला तो आपके साथ हम भी चल बसेंगे। अम्मा साथ में जो है ना मटका और वो हाथ वाला पंखा है ना, वो भी रखवा देंगे। अरे 2 हफ्ते की बात है, ऐसे गुजरेंगे। तुम लोग इंतहाई बेगैरत हो, बेगैरत, आज के सबसे बेगैरत लोग तुम हो। तुम एहसास नहीं कि तुम्हारे बाप के लिए क्या कुछ कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और बात सुन, बेड पे मत डाल दीजिए, गद्दा खराब हो जाएगा, इनको नीचे चादर बिछा के नीचे इनका बिस्तर लगा दे बस। आओ अब्बा, खुद चल जाओ। मैं चला जाऊंगा। और हाथ नहीं लगाना, ये हाथ लगाने से फैलता है। क्या बकवास कर रही हो तुम, झूठी लुतरी के कहने में आके तुम मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगा रही हो। मासूम बच्ची, जैसी माँ वैसी बेटी। और हाँ अभी से बता रही हूँ, आज के बाद अगर उसने मेरे कमरे की तरफ रुख भी किया ना, उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। जाहिल बदतमीज औरत, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है, बहुत बड़ी गलती की फुप्पो ने तुम्हें इस घर में लाकर, झोंपड़ियों से उठा के महल में लाके बिठा दिया, अपनी औकात ही भूल गई। औकात की बात आप कर रही हैं, जैसे कुतुब बकिंगम पैलेस से आई हैं, ये मत भूलें आपको लाइन जेरिया से उठाकर लाई हैं अम्मी। शहनाज
खाना बन जाए तो दाल मेरे कमरे में ले आना। बाजी आप खुद ही ले लीजिएगा, फिर कोई ना कोई इल्जाम लग जाना मुझ पे। वैसे भी इस घर में जो काम भी मैं कर रही हूँ उसका उलट ही नतीजा निकलता है। यही बाकी रह गया था कि अब ये भी सुनाया हमें। खाने में क्या बनाया चेरी? चेरी चेरी तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो क्या हुआ है? क्यों रो रही हो बताओ? अरे बताओ ना क्या हुआ? पप्पा और हीना हर वक्त मुझे ताने देती रहती है, हर वक्त मुझे बातें सुनाती है। पप्पो कहती है कि तुमने तो बेटी पैदा की है, हीना ने वारिस पैदा किया है। उसके सामने मुझे इतना जलील करती है। मैं तो उनकी भतीजी हूँ, फिर भी मेरे साथ गैरों वाला सुनो करो। सीना उसको तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ इस घर में अच्छा नहीं हो रहा, बहुत तकलीफों से गुजर रही है तुम। अरे बेटा हो या बेटी, हमारे लिए सब बराबर है। मैं आमिर से बात करूंगा। खैर मैं भी आ रहा था, मैंने देखा अब्बू कमरे में नहीं है। कहाँ गए अब्बू? छोड़े जाने दे, मुझे ही नहीं पता। छोड़े जाने? अरे बताओ ना कहाँ गए? पप्पो ने उन्हें कबाड़ खाने में फेंक दिया एक तरफ। उनको खांसी क्या हुई, उनको स्टोर में फेंकवा दिया और कह रही हैं कोई उनसे नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिलने दे रही। और धमकी लगाई है किसी ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उसको इस घर से निकाल देंगे। कह रही हैं उनको कोरोना हो गया। अम्मी ने हमेशा अब्बू के साथ गलती किया है। कपाड़ खाने? अरे मेरा बाप है वो, जा रहा हूँ अब्बू से मिलने। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, मत जाइएगा, वो जीना हराम कर देंगे हम दोनों। अरे मुझे सुबह मुझे कोयटा के लिए जाना है, मैं हालात में काम पे कैसे जाऊं? आप फिक्र नहीं करो, आप अपने काम के लिए जाएं, मैं हूं ना, मैं पप्पा जान को देख लूं, आप परेशान मत हो। और ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, 35 साल से अब्बा को दमे की बीमारी है। साल गुजर गए, पप्पा साहब ये देखें मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूं। और हाँ आपको पता है मैंने इनसे कह दिया है ये गद्दा डलवा देंगे फिर आप ऊपर सोया करिएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं नीचे ही सही हूँ, मेरी कमर में दर्द होता है ना तो इसके लिए। और खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, अगर तुम ना हो तो ये बेशर्म लोग मुझे भूखा मारते। पप्पा आप परेशान मत होइए, जब तक मैं हूं ना आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ सब हम दुश्मन हैं, एक यही तो तुम्हारी सगी है। और तू, तुझे मैं ये सोच के लाई थी कि तू मेरे भाई की बेटी है, गरीब घराने की, अपनी पप्पो का ख्याल रखेगी, मगर नहीं, तू भी हर वक्त एक बुड्ढे की खिदमत में लगी रहती है। जान ये आप क्या कह रही है, ये शौहर है आपके? हाँ हाँ इसी बात का तो रोना है कि ये बस शकल नाटा मेरा शौहर है, अल्लाह क्यों कर ली मैंने इससे शादी। नसीमा नसीमा जबान संभाल कर बात करो, 32 साल हो गए मुझे जुल्म से थे। हाँ तुमसे अपनी सेहत संभाल नहीं रही, मुझे जबान संभालने को कह रहे हो। और तू आज के बाद ना इसके आस पास मंडलाती हुई नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर वसीम कह रहे थे कि इनके खाने पीने का ख्याल। फकीर नहीं, तू मुझे समझाएगी कौन क्या कह रहा था और क्या नहीं। मगर पप्पू इतना जुल्म मत करें, वसीम इनके बेटे और मेरे शोहर हैं, उन्हीं के पैसों से ये घर भी चलता है, बिल भी वही पे करते हैं पप्पू। हाँ हाँ बुड्ढे ने डाउनलोड किया था ना बेटा, अरे मैंने पैदा किया है, जो मैं कहूँगी वही करेगा। कसम खुदा की अगर अभी कह दूं कि तुझे तलाक दे दे, यूं 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 तुझे तलाक देगा। नसीबा खुदा जो
चुप कर बुड्ढे। बहुत जबान चल रही है तेरी, खांसी से फुर्सत होती नहीं और मुझे चुप कराने चला है बीमार बुड्ढा। और तू आजकल इसके पास नजर आई ना, इसका काम सारा शनास करेगी, तू नहीं मन लाएगी इसके पास। तू अपनी बच्ची का ख्याल रख, मनुज बच्ची पैदा कर ली, ये रोना धोना बनकर और यहाँ नहीं आना इस बुड्ढे के पास, इसकी तो आदत है कमीने की रोने और धोने की, चल। ताज़ीराते पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्त का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। अम्मा ये अंगूठी कितनी अच्छी है, कब ली आपने? चलना मतलब की बात कर, अंगूठी कब ली भाई? अरे बता ना अम्मा। अम्मा अम्मा मुझे ना वो सामने वालों की बेटी बहुत पसंद है, देखी आपने? ये सामने वाले? हाँ चल हटा, इनसे तो कभी नहीं करूँ। माँ का पाँव देखा है इतना बड़ा, और लड़की का मुँह इतना बड़ा, और माथा तो पता ही नहीं चलता मुँह कहाँ है माथा कहाँ है। अरे बाप जैसा हाल हो जाएगा, बाप का मुंह देखा है? हैं? सर नहीं पता चलता कहाँ है, मुंह नहीं पता चलता कहाँ है। ठीक बोल रही अम्मा। अरे क्या हो गया? अरे दिन दिहाड़े तुम क्यों यहाँ निकल आए? तुम्हें मना किया है कि तुम्हें हर चीज वहाँ मिल जाएगी, फिर क्यों आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कबाड़ खाने बंद कर दिया और ना मेरे खाने का एहसास ना मेरे नाश्ते का एहसास। अरे अब्बा हमें क्यों शर्म आएगी, हमारी माँ का घर है और हमारी माँ के नाम पे। अरे शनास तुझे कितनी दफा कहा है कि पहले इस बुड्ढे को दे दिया कर, नहीं तेरा पेट बहुत बड़ा है, पहले ठूंढने बैठ जाती होगी तू खुद। अरे खाला तूने तो दरवाजे को ताला लगाया हुआ था, तो फिर मैं कैसे जाके देती नाश्ता चाचा को? बस जबान चलवा लो इससे, चल अपना काम कर। अब्बा इतनी अच्छी मैं बात कर रहा था, आपने आके ना सारा मूड खराब कर दिया। कैसी औलाद हो तुम लोग, अपने बाप को किस तरह बोलते हो तुम? और क्यों नहीं आऊं मैं, मेरा घर है ये, मेरा अपना घर है, मैंने तुम लोगों को दिया, मैं वहाँ परेशान रह रहा हूँ, तड़प रहा हूँ खाने पीने के लिए, और तुम लोग अपनी बातों में लगे हो। अरे क्या मनुष्यत फैला रहे हो, निकलो यहाँ से। तेरा बाप तेरा खानदान मैं नहीं छोड़ूंगा। अब्बा अरे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ से, तुम लोगों को शर्म आया है या नहीं? ऊपर जान आप मेरे साथ चलें, शर्म कर लो कुछ। अरे पागल हो गया, इनको पागल खाने में दाखिल कराओ। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अम्मी इस हद तक जा सकती हैं आपके साथ। बेटा, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। उस औरत की इंसानियत मर चुकी है बेटा, हैवान बन गई है वो बेटा, हैवान। लेकिन अब्बू वो आमिर और सलमान तो वहीं थे ना, क्यों नहीं रोका उन्होंने अम्मी को? बेटा उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे, मेरे हाथ पकड़ रखे थे बेटा, उन्होंने मिले हुए थे वो यही चाहते थे कि तुम्हारी माँ मुझे मार, और उसने मुझे मारा बेटा, वो यही चाहते थे। लेकिन अब्बू वो कैसे चाहेंगे, वो नहीं कर सकते ऐसा, वो बेटे हैं आपके। लालच, लालच ने उनकी आंखें बंद कर रखी, अंधा कर दिया, उनकी आंखों पर पटरियां बांध दी है बेटा, अंधा कर दिया है। और मैंने अपने हाथ कटवा लिए बेटा, सारी जायदाद उसके नाम करके। मेरा बेटा मुझे तेरी फिक्र है बेटा, तू बताया कर बेटा, वो तेरे साथ भी जुल्म करेगी और जायदाद की एक कौड़ी भी नहीं देगी बेटा, बताना। अब्बू मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए, दुनियावी दौलत नहीं चाहिए मुझे, मेरी असल दौलत आप हो।
बेटा मैं तेरी दौलत, लेकिन बेटा तेरे साथ तेरी बीवी है, तेरी बच्ची है, उनका मुस्तकबिल है बेटा, उसको भी तुझे देखना है बेटा। ये सारी बातें बर्दाश्त करके मेरा बेटा, मैं ना मैं यहाँ खुश हूँ, मैं अल्लाह मेरे से बातें करूँगा ना तो अल्लाह मेरे मुझे पूरा आराम करने का मौका दे देगा। जा बेटा मेरे, जा मेरा बेटा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। बहुत हो गया मेरा अल्लाह, मुझे सबर नहीं होता, मुझे उठा ले, मुझे अपने पास बुला ले मेरे बोला, मुझे अपने पास बुला। तौबा, एक तो तनख्वाह इतनी कम देती है, ऊपर से चिख चिख इतनी करती है, मैं तो बड़ी बेजार हूँ उनसे। एक तो नसीम खाला डाइन है, डाइन पूरी की, उसने अपने शोर बेचारे का क्या हाल करके रखा हुआ है, बड़ा तरस आता है मुझे। चाचा उठे, चाचा मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे चाचा मुंह तो बंद करके सोए, सारी मक्खियाँ चली जाएंगी मुंह में। चाचा चाचा चाचा, अरे नसीम खाला देखे चाचा मर गए, इन्ना बाजी इन्ना बाजी, चाचा चाचा बोले ना नसीम खाला, नसीम खाला जल्दी जा, देख चाचा को क्या हुआ नसीम खाला, अरे अरे चाचा तो मर गए। क्या बताऊं, 32 साल का साथ था तुम्हारे बाप का और मेरा, रात भर खांसते थे, मजाले जो मैंने कभी उफ की हो। बस करें अम्मा, अब और कितना शोक मनाएंगे आप। अम्मा हम तो जानते हैं ना कि अब्बा को आपसे अच्छी बीवी मिल ही नहीं सकती थी। ये क्या, आपको तो जाना था, अभी तक आप यहीं बैठे हुए हैं, हफ्ता हो गया उन्हें गए हुए, अभी तक इनके आंसू ही नहीं रुक रहे, रो तो ऐसे नहीं जैसे सगा बाप मर गया, हद है ड्रामेबाजी की भी। हाँ तो मेरे पापा थे, मेरे बाप जैसे ही थे वो, बल्कि तुम सबकी इंसानियत मर चुकी है, और तुम क्या जानो, तुम तो गैर औरत हो, तुम्हें तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए, मैं तो उन्हें बचपन से देखती। क्या हो गया, मेरा मियाँ था, तुम्हारा फुप्पा था, फुप्पी मैं हूँ, फुप्पा था वो तुम्हारा, तुम इतने टसवे क्यों बहा रही हो हैं? अरे ये तो वही मिसाल हो गई, माँ से ज्यादा चाहे फप्पा कुटनी कहलाए, मैं बीवी हूँ मुझे इतना गम नहीं है, तुम्हारे तो फुप्पा थे, क्यों इतने टसवे बहा रही हो, बिला वजह काम चोरी के बहाने हैं सारे। बच जाओ, चूल्हा चक्की करो, ये काला जोड़ा उतारो, और ये रोना धोना ना अब इस घर में नहीं करो, बहुत शोक मना लिया। ठीक ही तो कह रही है वो, क्या गलत कहा है, जब से अब्बा ने कमाना छोड़ा था ना, बेवकत तो हो ही गए थे वो आप लोगों की नजर में, और क्या गलत कह रही है वो, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है वो, जो अजियत आप लोगों ने मेरे बाप को दी है ना, उस अजियत से मरे हैं वो, मार दिया आप लोगों ने मेरे बाप को। क्या हो गया, होश में तो हैं आप, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। ओ भाई अपनी बकवास बंद करो, अरे जिन्होंने जाना था वो चले गए, 70 साल के हो गए थे अब्बा, और जी के क्या उन्होंने अचार डालना था, देखो मेरी माँ को, अरे 20 साल छोटी थी उनसे, और बड़ों ने शादी करा दी, जुल्म कर दिया मेरी माँ के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी पुप्पो ना बचपन से देख रही हूँ, 20 साल छोटी नहीं, सिर्फ 1 साल छोटी थी ये पुप्पा से। और आमिर तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा मैं, आपकी जगह होता है बड़ा भाई, और आज के बाद तुमने अब्बा के खिलाफ कोई भी बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उससे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता, और तुम सुनो बीबी, ये शोक कहानी ना आप खत्म कर दो। क्या बातें कर रही है, कुछ खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह से डरें, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। हाँ हम डरें, और तू ना डर, वो लाठी तेरे ऊपर भी पड़ेगी। बातें करना फजूल है, कमरे में घुस के नहीं बैठ जाना, खाना मांगती हूँ मैं 2 घंटे के बाद। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से
किसी की मौत भी वाकई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाकई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। ये क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है तुम लोगों ने? ड्रामेबाजी? अरे ड्रामेबाजी तो आपने और भाभी ने लगाई हुई है। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। तुम बीच में मत बोलो। ठीक ही तो कह रहा है, तुम और तुम्हारी बीवी हमेशा मेरे खिलाफ रहो, हमेशा मेरी मुखालफत में खड़े हुए हो। अब तुम दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं है। सुन लिए? अब आप अपना सामान खुद समेटेंगे या मैं समेटवा दूं? बेहतर है कि आप खुद चले जाएं, वरना। वरना क्या, धमकी दे रहा हूं? जिस तरह ताने दे दे के तुमने अब्बू को मार दिया ना, अब क्या मुझे भी मारोगे? अरे आपको मारने के लिए तानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों काफी हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, औकात में आ जाओ। बहस करने की अब कोई जरूरत नहीं है, इस बंदरिया को लो और निकलो यहाँ से। मम्मी, मैंने सारी जिंदगी जो कमाया आपके हाथ में ला के रखा, इस घर को जब जरूरत पड़ी मैंने खर्च किया, मैंने कुछ नहीं जमा किया, ना अपने लिए ना अपने बीवी बच्चों के लिए, और आज आप इतनी आसानी से कह रही कि मैं इस घर से चला जाऊँ? कहाँ जाऊँगा मैं? अरे कहाँ जाना है, ससुर के घर जाओ लैंड एरिया। ये बात तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी मियां बीवी को। कोई कहीं नहीं जाएगा, आप जब तक मुझे मेरा जेवर वापस नहीं कर देती मैं हिलूंगी भी नहीं इस घर से। ए बीबी, जरा तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे बाप की बड़ी बहन हूँ, समझी? बड़ी बहन? कौन सी पुप्पी, कौन सी भतीजी? आपने आज तक कौन से रिश्तों का लिहाज किया है? हमेशा जालिम सास बन के रही हैं आप। मैंने तो जेवर अपनी फुप्पो के पास अमानत रखवाया था, अगर आपने तो फुप्पो बन के दिखाया ही नहीं। आप तो एक जालिम औरत हैं, और इस जालिम औरत के पास मेरे जेवर का कोई काम नहीं है, मुझे वापस करें। जेवर तो मैं देने वाली हूँ नहीं, चाहे तुझे इसके लिए मेरी लाश पैसे गुजरना पड़े। अगर इसकी भी जरूरत पड़ी ना तो मैं ये भी कर गुजरूंगी अपनी बेटी के हक के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस में एक कंप्लेन ही कर दी ना तो सारी अकड़ निकल जाएगी आपकी। क्या क्या जरूरत है पुलिस में कंप्लेन? आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप ऑफिस जाएं, आज के बाद तो इन लोगों को मैं खुद देख लूंगी। और हाँ, जितने जुल्म करने थे ना कर चुकी हैं आप, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और तुम दोनों चमचियां खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो दफा यहाँ से। आज के बाद तुम दोनों को रोटी नहीं मिलेगी इस घर में जब तक कमा के नहीं लाओगे। क्या हो गया, रोटी नहीं मिलेगी? अभी इनकी माँ जिंदा है, तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलेंगे ये। अब बन के दिखाऊंगी तुझे सास, मेरी रगों में भी आपका ही खून दौड़ रहा है। और ये मत भूलें, मेरे पास है एक सबूत है, जेवरात की सारी रसीदें मेरे अब्बा के पास हैं। चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए माँ के चमचे। चलो तुम, मैं देखती हूँ इसे मियाँ के सामने उड़ा रही है, बताती हूँ तुझे मैं। चलो चलो, कुछ नहीं कर सकती हैं आप एक खोखली औरत है। अम्मी, अम्मी आगे को लेना। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? उठे ना अम्मी, उठे ना पप्पो, उठे ना अम्मी, पुपो, पुपो अम्मी, अम्मी को। क्या शोर मचाया हो आप लोगों ने, हटो। अम्मी, अम्मी क्या हुआ अम्मी को? अम्मी, अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, अम्मी हमें छोड़ के जा चुकी है। ये नहीं हो सकता, अरे सुबाटो मैं अम्मी को। अम्मी उठे, अम्मी उठे ना अम्मी। ये अम्मी की, अम्मी की अलमारी खुली रहे भाई, यहाँ तो अम्मी जेवर रखती थी ना, ये तिजोरी तो खाली है। अम्मी, अम्मी मरी नहीं है भाई, अम्मी का कत्ल हुआ है। अम्मी का कत्ल? अम्मी का कत्ल कौन कर सकता है? समझ आ गई मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तीनों मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं अपनी बेटी की कसम खा सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया इनके साथ। मैं तो जब यहाँ पर आई तो ये तो झूठ बोलना बंद करो। अरे सुबह ही तुमने सबके सामने अम्मी को जान से मारने की धमकी दी थी, अरे तुमने ही मेरी माँ का कत्ल किया है। चलाक लोमड़ी, ये क्या किया तूने? चंद जेवरात के खातिर अपनी सगी पप्पो का कत्ल कर दिया। आमिर, आमिर अम्मी पहले ही कहती थी इनके खानदान में वैसे ही कातिल लोग शामिल हैं। इसने अम्मी को मार दिया, पैसों की भूखी औरत है ये। नहीं मारा, नहीं मारा। भाभी, भाभी आप इनको
पकड़ के रखे, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम लोग मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? अपनी पप्पा को मार दिया, नहीं मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वालदा की मौत 1 से 1.5 बजे के दरमियान हुई। उन्हें तकिए से दम घूट कर कत्ल किया गया। पुलिस के नज़दीक कत्ल का ये मोहरिक डकैती की वारदात थी। लॉकर से सारा जेवर भी गायब था। अम्मी सारा जेवर लॉकर में ही रखा करती थी। तकरीबन 40 तोला था। सब चोरी हो गया, कुछ नहीं मिला। और पुलिस ने आपकी बीवी शीरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मफरूजा है कि डकैती के दौरान आपकी वालदा ने शीरी को रंगे हाथों पकड़ लिया और जवाबन शीरी ने उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस तो यही कहेगी ना, लेकिन मैं जानता हूँ नहीं कर सकती ऐसा। अम्मी से लड़ाई हुई थी उसकी, और उसने उससे मैं आके ना जाने क्या कुछ कह दिया था, लेकिन वो कत्ल नहीं कर सकती। शीरी आपकी बीवी है, शायद आप इसलिए कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने आपकी बीवी शीरी को ही क्यों गिरफ्तार किया? किसी और को भी तो गिरफ्तार कर सकती थी। दरअसल सबसे पहले मेरी बीवी ने ही लाश को देखा था, और इन लोगों ने झगड़े को जवाब बना के उसे ही मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया, और फिर वो अंगूठी। सर, कमरे के बेड के नीचे से मुझे ये अंगूठी मिली है। कोई पहचानता है इस अंगूठी को? ये तो अम्मी की अंगूठी है ना, कल ही तो उन्होंने अपनी अलमारी में रखवाई थी, तो फिर ये भाभी के कमरे में कैसे आई? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इस अंगूठी के बारे में। मगर मैं समझ गया हूँ, आपने ही कत्ल किया है ना अम्मी को। सुबह ही आपने अम्मी को मारने की धमकी दी थी। अरे अगर जेवर ही चाहिए था तो मुझे बता देती भाभी, मेरी माँ को कत्ल करने की क्या जरूरत थी आपको? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सच कह रहा सलमान, ये सब इस औरत का किया धरा है। ये जरूर इंस्पेक्टर साहब, अम्मी के कमरे में चोरी के नियत से गई होगी, और अम्मी की आंख खुलने पर इसने उनका मर्डर कर दिया होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता। भाभी तो फिर आप अम्मी के कमरे में करने क्या गई थी? जहाँ तक मुझे याद है आपको तो अम्मी से झगड़ा हुआ था ना, फिर ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि आपको अम्मी के कमरे में जाना पड़ गया? मैं तो उन्हें खाने का पूछने के लिए गई थी, मैंने बल्कि हाँ, आखिरी वक्त में तो तुम थी ना पुप्पो के पास, तुमने कत्ल किया वो, तुमने ही मारा है उन्हें। मैंने? लेकिन मैं उन्हें क्यों मारूंगी? ना ही तुम्हें बेघर हो रही थी, और ना ही प्रॉपर्टी के हिस्से से मुझे बेदखल किया जा रहा था। अरे वो तो मुझे अपनी बेटी समझती थी, बेटी। ये सच है, इनका इनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर ले इस औरत को। बल्कि औरत नहीं है, डायन है, अरेस्ट कर ले इसको। बीबी आपको हमारे साथ चलना होगा, ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, इल्जाम लगा रहे हैं। आप हमारे काम में मुदाखलत मत करें, लेके चलो इसे। अरे रुकिए वकील साहब, उसने तो कभी एक चोटी तक नहीं मारी, एक मासूम बच्ची हमारी, भला वो कत्ल कहां से करेगी? ये बताइए, क्या चोरीशुदा जेवर बरामद कर लिया गया? नहीं वकील साहब, पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तो जेवर नहीं मिला। ये बताइए कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आमिर ही है ना? हाँ वही है। आप जानते हैं उसे? हाँ, उसे अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। कभी हम आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी। गलतफहमियाँ? वकील साहब, कहीं आपकी ये गलतफहमियाँ हमारे केस को ख़राब ना कर दें। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे अपना काम कैसे करना है।
आप मुझे बताइए कि उस घर में और कौन कौन रहता है, और मकतूला का अहले खाना के साथ ताल्लुकात कैसे थे, और जब कत्ल हुआ तो उस वक्त जाए वकुआ पर कौन कौन मौजूद था। ताज़ीरात-ए- पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। अरे वकील साहब, आप अस्सलाम वालेकुम, बैठे जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हैरत है, इतने मामूली केस में आपकी दिलचस्पी की वजह मैं जान सकता हूँ? साहब, मुझे तो लगता है कि वकील साहब अपना कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। वकालत मेरा पैशन है, और पैशन में हिसाब किताब नहीं रखा जाता, और ये कोई मामूली केस नहीं है। एक बेगुनाह औरत की जिंदगी और मौत का मामला है ये। बेगुनाह? वकील साहब, आप शायद भूल रहे हैं, उस औरत पर एक बूढ़ी औरत को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ, क्योंकि शीरी प्राइम सस्पेक्ट थी, और शायद इसी वजह से हमें पहली पेशी पर जमानत नहीं मिली। लेकिन एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे क्लाइंट को ज़्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। वकील साहब, उसके पास मुहर्रक था, मकतूला और उसका झगड़ा हुआ था, और उसके कमरे से चोरी शुदा अंगूठी भी बरामद हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस अंगूठी पर शीरी के उंगलियों के निशानात मौजूद नहीं थे। Am I right? मुमकिन है उसने वो निशानात मिटा दिए हो, या फिर दस्ताने इस्तेमाल किए हो। मुमकिन तो है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप ये बताइए कि जाए वकुआ से आपको दस्ताने बरामद हुए, चोरी शुदा जेवरात कहाँ हैं, क्या पुलिस ने ढूंढ लिया वो? यकीनन नहीं। सच तो ये है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। सबूत तो है वकील साहब, मकतूला ने मौत से पहले मजामत की थी, और उसके नाखूनों के नीचे से स्किन के जो सैंपल मिले हैं, 2 से 3 दिन में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आपके क्लाइंट को कोई नहीं बचा सकेगा। अब आपका और आपकी बेटी का इस घर में कोई हक नहीं, चले जाएं यहाँ से आप। क्यों हक नहीं है मेरा? ये घर जितना तुम लोगों का है ना, उतना मेरा भी है। मेरी बीवी और बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है। आपकी बीवी ने किया है जुर्म? अरे कत्ल किया उसने मेरी माँ का। मेरी माँ ने तो जिंदगी में आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था ना, इसी को हासिल करने के लिए आपने और आपकी बीवी ने मेरी माँ का कत्ल किया। मेरी बीवी बेटी ने कुछ नहीं किया। अरे किया, आपकी बीवी गुनाहगार है, उसने मेरी माँ का कत्ल किया है। माँ ने तो जिंदगी में आपको बोला था ना कि इस प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं, निकल जाओ यहाँ से। अरे इसी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए आपने और आपकी बीवी ने मेरी माँ का कत्ल किया, और अब आप इस घर में हिस्सा चाहते हैं। देखता हूँ कैसे लेंगे आप हमारी जगह। आमिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस प्रॉपर्टी की वजह से इन लोगों ने अम्मी का कत्ल किया ना, इस पर इन लोगों का कोई हक नहीं है। और वैसे भी कातिलों का प्रॉपर्टी पे कैसा हक, वो तो शुक्र है इनकी लौंडिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, अपने नाना के घर है। उसकी शक्ल देख के तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार, अगर आज के बाद उसे लौंडिया बोला ना, तुमने अपने बाप का एहसास नहीं किया, इतनी तकलीफें दी तो बेटी का एहसास क्या होगा तुम्हें? अल्लाह की रहमत होती है बेटी। बाजी, मुझे गाँव जाना है, 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए मुझे। उफो, तुम्हें भी अभी इस वक्त छुट्टी चाहिए? देख नहीं रही हो घर में कयामत बरपा हुई हुई है। बाजी, आपके ये रोले तो सारी जिंदगी खत्म होने नहीं है। मेरी भांजी बहुत बीमार है, वो मौत की मुंह में है, उसका चल चलाओ है। अगर मैं ना गई ना तो मेरी बहन सारी जिंदगी मुझे ताने देती रहेगी, और वो जब से आपकी भाभी ने आपकी सांस का कत्ल किया है ना, उसके बाद तो सारा काम मेरे सर आ गया, अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा भाई, ठीक है, चलो जाओ तुम यहाँ से। देखे आमिर, वो लौंडिया ना। जाएं भाई, बंदोबस्त करें अपना, जाएं यहां से, शोर नहीं करें यहां पे।
हाँ हेलो वकील साहब, अब मुझे आपको कुछ बताना था। काका कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। पुलिस? कत्ल 1 से 1.5 के दरमियान हुआ, तब घर पर सिर्फ हिना और शीरी ही मौजूद थी। 2:15 के करीब मुलाजमा घर लौटी और लगभग 2 बजे शीरी का शोर सुनकर सब लोग मकतूला के कमरे में जमा हो गए। ऐन उसी वक्त मकतूला का छोटा बेटा सलमान भी वहां पहुंच गया और उसी ने ही पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद प्राइम सस्पेक्ट को गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन चोरी शुदा जेवर बरामद नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर वह चोरी किया हुआ जेवर कहां गया? इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहे वकील साहब, हर पत्थर उठा के देख लिया है, तीनों बेटों की फोन लोकेशंस, उनका फोन रिकॉर्ड्स खंगाल डाला मगर कोई सुराख नहीं मिला। इस सवाल ने तो मुझे भी खासा परेशान कर रखा था। मैंने भी आप ही की तरह अहले खाना के तमाम फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया लेकिन मुझे कोई सुराख नहीं मिल सका। लेकिन अचानक एक इंकशाफ हुआ, 1:10 पर अहले खाना ने किसी को फोन की थी। ये देखिए, ये फोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इस कॉल की बात कर रहे हैं आप जो हिना ने अपने भाई जुनेद को की थी? ये तो रिकॉर्ड पे है लेकिन इसमें तो कुछ भी मशकूक नहीं है। आप बसाहिर तो नहीं है लेकिन अगर आपने जुनेद की लोकेशन ट्रेस की होती तो आपको पता चलता, क्योंकि जुनेद ने फोन रिसीव करने के बाद अपने घर से सीधा जयवको की तरफ चलाया था। वहां जाने की उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, वो जेवर। यानी वो आया, जेवर लिया और चलता बना। तो मामला ये है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया बाजी के कहने पर किया। बाजी बताए ना इन्हें, आप ही ने मुझे फोन किया था। बाजी के कहने पे किया है ना, क्या बोल रहा है ये? नहीं आमिर, आमिर मैं नहीं जानती ये क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आमिर यकीनन इसे पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ धमकाया है, इसीलिए मेरे लिए इस तरह से बातें कर रहा है। हमें डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। जुनेद का फोन कॉल्स रिकॉर्ड तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है और चंद दिनों में मकतूला के नेल से मिलने वाले स्कैन की DNA रिपोर्ट आ जाएगी। बेहतर यही होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। बोलती है या मैं अपना तरीका इख्तियार करूं? हाँ, मैंने उनका कत्ल किया लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी आमिर, मैंने सिर्फ ये सोचा था मैं उनका सारा जेवर चोरी कर लूंगी और सारा का सारा इल्जाम भाभी पर आयद कर दूंगी, मगर अचानक उनकी आंख खुल गई। अरे मेरे जेवर के टिप्पा लेके तू कहाँ जा रही है? अम्मी, अम्मी आप तो सो रही थी ना? हाँ हाँ, अभी तक तो सो रही थी लेकिन अब जाग गई हूँ। मेरे झुमके भी तूने ही चुराए, मेरे कंगन भी तूने ही चोरी करे और मैं उस मासूम बच्ची को कोसती रही और शीरी को भी मैंने कितना बुरा भला कहा। नहीं नहीं अम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपकी कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मेरी झूठी कसम खा के मुझे मौत के घाट मत उतार, मैं तेरा अभी बंदोबस्त करती हूँ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शेरी, शेरी, शेरी। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसी डर की वजह से उनकी जान ले ली। डरी नहीं थी तुम, तुम्हारी लालच, लालच ने मारा मेरी माँ को, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। बिल्कुल, तुमने नसीमा के कत्ल पर इक्तफा नहीं किया बल्कि सारा जेवर चोरी किया और भाई को फोन करके उसे दे दिया और अपनी जेठानी को फंसाने के लिए उसके बेड के नीचे अंगूठी फेंक दी। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। अरे मेरी मेरी माँ को मारा तुमने, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आमिर मेरी बात सुने, आमिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, आमिर मुझे बचा ले प्लीज। आमिर मुकला के दलाइल, पेश करदा शवाहिद और हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद
यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शीरी वसीम का अपनी सास नसीमा बेगम के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। दरअसल नसीमा का कत्ल उसकी छोटी बहू हिना आमिर ने किया है और जेवरात की चोरी की जिम्मेदार भी वही है। लिहाजा ये अदालत शीरी वसीम को इस केस से बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को हिदायत करती है कि वो मुलजिमा हिना आमिर और उसके भाई जुनैद के खिलाफ चालान तैयार करके आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।